यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल GTBP-School को आप लॉगिन करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज क्लास फोर्थ का मैथ्स का 16 अप्रैल का मैं आपके सामने वीडियो देने जा रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 5 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फॉर्मिंग नंबर। क्या टॉपिक है? फॉर्मिंग नंबर। नंबर को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, यानी स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट लिखना हो तो उसको फॉर्म करना कहते हैं। लेट अस टेक 5-digit नंबर। अब हम 5-digit नंबर लेते हैं, 3, 5, 1, 7 and 9। ये 5-digit हमारे पास दी हुई है। इसको अगर हमने स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट जब बनाते हैं हम, तो एवरेज नंबर को हम असेंडिंग से की श्रेणी में असेंडिंग में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो इनमें सबसे छोटा नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये असेंडिंग में लिखने के बाद ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, 13,579। जब हम इसी नंबर को ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो इन्हीं नंबर को हम डिसेंडिंग में लिखते हैं, 97531। तो ये 97531 ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। लेट अस टेक 6-digit, 8, 0, 5, 1, 3 and 9। अब इससे हमें 6-digit बनाना है। स्मॉलेस्ट बनाने हैं तो पहले जो हमें फर्स्ट ऊपर बता चुका हूँ, वैसे हम हमने इसको असेंडिंग में लिखा 0, 1, 3, 5, 8, 9। बट मैंने इसके सामने बेटा रॉन्ग लिखा हुआ है। आप समझ रहे होंगे क्यों रॉन्ग लिखा है, क्योंकि असेंडिंग में लिखें भले ही हम, जब किन्हीं भी नंबरों के जीरो इस बाईं तरफ लग जाती है तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती। चाहे हम 1 0 लगा दें, चाहे 2 लगा दें, चाहे 3 लगा दें, इधर कोई वैल्यू नहीं है इस जीरो की। इसलिए राइट वे में क्या करेंगे, 1 के बाद असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉल 1 मानेंगे, फिर सेकेंड नंबर पर 0 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये राइट वे है 6-digit को असेंडिंग में लिखना। अगर 5 में भी यहाँ 0 आ जाती तो हम ऐसा ही करते कि 3 की जगह 0 होती तो 1 0 लिखते। और फिर है ग्रेटेस्ट में लिखना है तो इन्हीं को डिसेंडिंग में लिख देंगे, लास्ट में 0 आ जाएगी सबसे। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया आपका। अब है 1, 4, 2, 5। इफ वी राइट 5-digit नंबर, डिजिट तो 4 ही है, पर हमें इसको अगर 5-digit नंबर लिखना हो और वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, रिपीट 4 twice, 4 को ट्वाइस 2 बार रिपीट करना है आपको, तो स्मॉलेस्ट लिखेंगे, 1, 2, 4, 5। ग्रेटेस्ट लिखेंगे 5, 4, 4, 2, 1। यानी 4 को ट्वाइस बार यूज करके हम 5-digit नंबर बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5 में आपके सब ये है क्वेश्चंस, 3-5 क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही आपके प्रैक्टिस है एक, जो आपको फिर कॉपी में करना है। और आप फिर कॉपी में करते रहिए, अपने ग्रुप में शो करते रहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप अपना होमवर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी यूट्यूब पे इन वीडियो को पहले देखें, फिर अपना होमवर्क करें।